खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी लाइफलाइन के इस एपिसोड के साथ मैं हूं तौसीक हैदर और इस वक्त इस एपिसोड में मेरा साथ दे रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के हमारे साथी रिपोर्टर प्रोड्यूसर सगीर नकाश। हम दोनों आपके लिए ये सेगमेंट लेके आए हैं लाइफलाइन का कि जिसमें सबसे पहले क्या है ये हमें नकाश बताएंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले नाज़रीन ये है कि हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये मुतासरीन जो हमारे स्वाद के हैं उन्हीं में से एक शख्स हैं जो यहाँ रावलपिंडी में हमारे पास मौजूद हैं। उनका हमने एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा हम आपको उनके मसाइल के हवाले से जो उनके जो जेन्युइन मसाइल हैं जिसमें वो कुछ उनकी जो डिमांड्स भी हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक टेलीफोन बताना है। एग्जैक्टली, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है जिसपे आपको कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री कॉल है, और वो है 0800 7882 7882 और 0800। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त। हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे, आपकी हर वक्त वो कॉल सुनेंगे। आपका जो भी मसला है अगर उनके तहीं वो हल होने वाला मसला है तो वो उसको खुद ही हल कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो समझते हैं कि इसको यहाँ तक भी लेके आना है तो भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके मसाइल और आपके प्रॉब्लम्स के साथ। जी तौसीक जी, बिल्कुल। और अभी आप जिक्र कर रहे थे एक रिपोर्ट का, तो ख्वातीन हज़रात जो हमारे मेहमान स्वात उसके गिर्दो नवा से रावलपिंडी के एरिया में पहुंचे, ऐसे एक भाई से हमारी टीम की मुलाकात हुई। आपकी नजर। मेरा नाम गुलमन वसान है और मैं सैदु शरीफ फैजाबाद तौहीद कॉलोनी का रहने वाला हूं। मेरा मकान मालिक, मेरा शूज का काम था, दुकान थी मेरी शूज की, और जब ये तालिबान और ये आर्मी का मसला ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम उसमें आए। वहां से रजिस्ट्रेशन भी हमारी यहाँ हो चुकी है। तो सिविल जो यहाँ पिंडी के जो मुकामी लोग हैं वो कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यहाँ हर घर में तकरीबन कोई 8-8, 9-9, 7-7 फैमिलीज हैं और एक एक घर में कोई 50-60 लोग रहते हैं। यहाँ हम कैंपों में रह नहीं सकते, कुछ हमारी रवायत ऐसी है, कुछ हमारे वहाँ का रहने मैंने वहाँ हम तंबू में नहीं रहे, कैंपों में नहीं रहे, जिसकी वजह से हम ये घरों में यहाँ रह रहे हैं। और इन कॉलोनी वालों का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सस्ते रेट पे ये घर दिए हैं। हमने सुना कि ये पहले 20-25-30 हज़ार रुपये में ये घर जाते हैं और हमें इन्होंने नहायत ही आसान रेट, जो कि सस्ता तरीन रेट है, उस पर दिए हैं, जो कि ना लेने के काबिल भी है। दुकान है, मेरी दुकान में तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपये का माल पड़ा है, जो कि हमें बहुत, एक आपको ये भी याद करूँ, हमें बहुत बहुत जो लोगों को कारोबार लोगों को नुकसान हुआ है, वो ये जो अमन मायदा हुआ इसकी वजह से हुआ। जब अमन मायदा हुआ तो कारोबार शुरू हो गए, जिन लोगों ने हमें पैसे सेव किए थे इन हालात में वो पैसे फिर लोगों ने कारोबार में डाल दिए। जैसे वो पैसे कारोबार में डाले ऊपर से फिर ये टेंशन शुरू हो गई, उनको हमने ताले लगा दिए। अल्लाह के आसर को छोड़ के कि बाद में जाएंगे होंगे या नहीं होंगे वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन जिनके पास जितना पैसा था उन्होंने इस अमन मायदे के बाद फिर कारोबार में वो पैसा डाल दिया। और जैसे अब लोग निकले या तो एक एक जोड़े में निकले हैं, एक एक जूते में निकले हैं। मैं खुद शूज़ की मेरी माशाल्लाह बड़ी बहुत ही अच्छी मलकन डीजल में मेरी दुकान जैसे दुकान नहीं आपको नजर आएगी, जब हालात अल्लाह ताला सेट कर दें देखें, लेकिन मैं ये चप्पलों में निकला हूँ। कुछ हमारी फैमिली सबका ठीक हुई, कुछ बाहर के लोग हमारे जो अजीज व करब वो आ गए, कुछ मोहल्ले के लोग आ गए, किसी को हम तो ये नहीं कह सकते भाई जाओ, लेकिन बस गुजारे अल्लाह ताला कर रहे हैं। कुछ ये पिंडी के लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ। हमें जरूरत है बेड की, फोम की जरूरत है, हमें खाने पीने की अशिया की जरूरत है, हमें ये बिस्किट वगैरह भी नहीं चाहिए। लोग लेके आते हैं उनकी शुक्रिया मदा, लेकिन हमें बहुत जो जरूरत है वो चाय की है, चावल की है, रोटी की है, आटे की है, घी की है, चीनी की है, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं उसकी है। जल्द से जल्द मेहरबान करके ये जो ऑपरेशन शुरू किया है इसको खत्म करके हम अपने घरों को वापस कर जाएं, क्योंकि हम तो इस गर्मी में, हम ठंडे इलाके के रहने वाले लोग हैं, इन गर्मियों में नहीं रह सकते। अगर नहीं भी खत्म होता है ऑपरेशन तो हमें जाने की इजाजत है, इस रहने से हम वहां मरना बेहतर समझते। हमारे इन भाई जैसी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पीटीवी लाइफलाइन में इनकी बात आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखिए, इसलिए कि घर में टीवी पे बैठ के सिर्फ इन लोगों के साथ अपना दिल उदास कर लेना ही काफ़ी नहीं है। जैसा आप देखिए रावलपिंडी में ये फैमिली और इस तरह की बहुत सी फैमिलीज मौजूद हैं। और नकाश, एक चीज़ हमें जान के बहुत खुशी हो रही है, पिछले कम अज़ कम 3-4 दिन से जब मैं एक्टिवली लाइफलाइन के साथ मुंसलिक हूँ, जो कॉल्स आ रही है कि रावलपिंडी के शहरियों ने बहुत
बड़े दिल का सबूत दिया है और हमें पता चला है कि जो आम जो किराए के घर जो किराए थे कम किए बहुत ज्यादा कम रेट्स के ऊपर उन्होंने अदरवाइज जैसे अभी वो कह भी रहे थे कि 20,000 किराया जहां पे वो उनसे जो है वो बहुत मिनिमाइज करके और मेरा ख्याल है कि यही जज्बा है और बहुत से लोग और ये तो फिर किराए की हम बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि लोगों ने सिर्फ अपने घर के दरवाजे खोल दिए बिल्कुल जी ये मेरा पोर्शन है मेरा घर खाली पड़ा हुआ है ये दरवाजा खुला आप अंदर आ जाए बाकी बात बाद में देखी जाएगी आपके साथ बच्चे हैं सो इस तरह का ये जो जज्बा है ये मोटिवेशन जो है बहुत खुशाइंद है हमारे पास इस वक्त खवातीन हज़रात जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स है हमने शाम से सिलसिला शुरू कर रखा है हर शहर के रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स की डिटेल्स आपको बताते हैं आपके साथ हमने चारसदा और पेशावर के रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स पिछले बुलेटिन मैंने शेयर किए थे इस वक्त गालिबन नौशहरा के रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं नाजरीन आपको ये बताएं कि जो हमारे पास इस वक्त जो आ रही है यूनियन काउंसिल ऑफिस ये रशाकाई है एक जगह यहाँ पे एक पॉइंट उनका मौजूद है इसके अलावा सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है वो नौशहरा के अंदर वहाँ पे आप जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फिर इसके अलावा एक जगह है नियर जनरल बस स्टैंड नौशहरा जो नौशहरा का जनरल बस स्टैंड है उसके बिल्कुल करीब उसके ऊपर आप जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके अलावा यूनियन काउंसिल अकबरपुरा है फिर यूनियन काउंसिल पब्बी है फिर यूनियन काउंसिल जो है वो अमानगढ़ है फिर इसके अलावा जो है एक यूनियन काउंसिल और है वो है ओकारा इसके अलावा यूनियन काउंसिल जहांगीरा फिर इसके बाद यूनियन काउंसिल नौशहरा टाउन ये वो तमाम यूनियन काउंसिल जो हैं ये वो यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं जो भी आपके वो आपको जो रिलीफ है इसके बाद ही अगला प्रोसेस शुरू होगा आपको रिलीफ देने का खवातीन हज़रात रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी है हमारे पास एक बच्ची की रिपोर्ट है नॉट रियली रिपोर्ट उसका एक कमेंट है जो सरसरी बहुत सी टेपों बहुत सी फुटेज के अंदर से हमें मिला हमने सोचा है कि आपके साथ जरूर शेयर किया जाए मेरा नाम जवेरिया रियाज है और मैं वहाँ अस्वात में क्लास 7 में पढ़ती थी और वहाँ पहले संगोटा पब्लिक स्कूल संगोटा में पढ़ती थी फिर वहाँ के हालात ख़राब हो गए फिर हमारी छुट्टियाँ हो गई हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें और पढ़ने का मौका भी नहीं मिला वहाँ और हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए मुझे अगर ज़मीन पर भी बिठाए करिए फिर भी मैं पढ़ूँगी वहाँ जाऊँगी अस्वात में अपने